तो ग्रोथ एंड डिकी ऑफ करंट का टॉपिक करने वाले हैं। तो पहला काम नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लें, और ये भी लिख लें डेरिवेशन एंड थ्योरी नॉट टू बी रिमेम्बर्ड, पढ़नी नहीं है, पर मैं आपको कराऊंगा बताने के लिए कि ऐसा हुआ। एंड में क्या करना है, फॉर्मूला रजिस्टर में फॉर्मूला नोट करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डिकी ऑफ करंट है क्या। ग्रोथ एंड डिकी ऑफ करंट है कि इमेजिन करो अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वापस चले, हमने सबसे पहले कैपेसिटर किया था, कैपेसिटेंस के अंदर हमने रेजिस्टेंस नहीं ली थी, याद करो। फिर एक टॉपिक आया इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया था, और हमने डिसाइड किया था कि डीसी करंट कैपेसिटर में से पास नहीं होता, लेकिन कब, काफ़ी देर के बाद, स्टेडी करंट के बाद। लेकिन मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए थे स्विच ऑन और ऑफ वाले, कि अगर आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन करके या स्विच ऑफ करते हो तो कैपेसिटर में करंट थी जो है वो इंक्रीज होगा। बैटरी का करंट मान लो आई नॉट होना है, तो जीरो से आई नॉट एकदम तो होगा नहीं, तो जीरो से आई नॉट होने में टाइम लेगा, तब तक कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। तो इसका मतलब, और जब मैक्सिमम करंट हो जाएगा तो कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देगा, ऐसे डिसाइड हुआ था। और अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक किया था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का टॉपिक हो, तो चार्ज करते समय इंस्टेंटेनियस चार्ज का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, 1 - e^(-t) / RC, और RC की जगह क्या सिंबल लिखवाया था, टाइम कांस्टेंट टाउ। याद है जब मैंने कहा था टाइम कांस्टेंट याद रखना, इसमें क्या होता है, R into C। तो ये इंस्टेंटेनियस चार्ज होगा कैपेसिटर में, आप किसी भी समय पे चार्ज निकाल सकते हैं जब तक चार्ज मैक्सिमम नहीं हो जाता। और डिसचार्जिंग के अंदर, लिख लो फॉर्मूला बुक में फिर से, ऑफ कैपेसिटर के अंदर डिसचार्जिंग में ये फॉर्मूला था e^(-t/RC। ठीक, मेडिकल वाले फॉर्मूला नोट कर लें, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर मेडिकल में मुझे चांस लगता नहीं है। हद से हद एक क्वेश्चन आ सकता है फाइंड टाइम कांस्टेंट, तो RC पुट करके टाइम कांस्टेंट निकाल लेना बस। तो एक्सपोनेंट फंक्शंस के ऊपर उनको आता नहीं है, नॉन मेडिकल में बहुत चांस है आने का। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी क्वेश्चन थे इसके, और इंडक्टर के अंदर भी देखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर की चार्जिंग नहीं होती, इंडक्टर में करंट ग्रो करता है या डीके करता है, या बढ़ता है या कम होता है। ठीक, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है ग्रोथ, ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, और ऐसे ही डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। आपने अभी लिखना नहीं है, 2 मिनट वेट करो, आप पहले समझ लो, बाद में जो मैं लिखना है मैं लिखवा दूंगा। ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर के अंदर रूल नंबर 1, अब हम क्या लेंगे, एक इंडक्टर लेंगे, इंडक्टर लिया, इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी लेंगे, RLR लेंगे। यहां पे सप्लाई AC नहीं लेंगे, DC लेंगे। आपको कि DC, अगर DC लेंगे तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, DC करंट में XL तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि जब DC करंट पास करते हैं तो XL का कोई रोल ही नहीं होता, DC तो कॉन्स्टेंट करंट है। तो इसमें ये तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन होगा, इंडक्टर लगाओ ना लगाओ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें, क्लियर है यहां तक, क्योंकि डीसी करंट में तो इसमें अपोजिशन शो करनी नहीं है। पर साथ में इसमें एक स्विच लेते हैं S, अब फर्क पड़ेगा। तो जब आप डीसी बैटरी लेंगे और ऑन करेंगे
तो मान लो करंट ने 10 एम्पियर तक होना है, तो एकदम 10 तो होगा नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 करता 10 होगा, जैसे ही 0 से 1 होगा इंडक्टर में जाएगा, इंडक्टर इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर लेगा, इंड्यूस करंट पैदा कर लेगा, तो आपके बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, लड़ेगा आपसे कि भाई कैसे किया, लेंज लॉ, लेंज लॉ हो जाएगा, तो करंट बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन पीछे से बैटरी और करंट छोड़ेगी, फिर लड़ाई हो जाएगी कि नहीं मैं बढ़ने नहीं दूंगा, उसको कम कर देगा। ये झगड़ा तब तक चलेगा जब तक करंट क्या नहीं हो जाता, मैक्सिमम, एक बार कांस्टेंट हो गया, फिर इंडक्टर कहता है यार कांस्टेंट करंट में फ्लक्स मेरा चेंज नहीं होगा, तो मैं इसमें अपना रोल छोड़ रहा हूँ, मेरा झगड़ा खत्म और एक्सेल का काम खत्म। पर जब तक करंट मैक्सिमम नहीं होगा तब तक क्या होगा, इसमें अपोजिशन चलती रहेगी, इसमें एक्सेल भी होगा। अब करंट 0 से 10 एम्पियर तक होना है, तो आपको ये बताना है इसमें कि टी टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, आपको बताना है इसमें इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, और करंट को मैं कहां से कहां कर रहा हूं, 0 से लेके आई नॉट तक कर रहा हूं, तो बीच में 0 से आई नॉट के बीच में किसी भी टाइम पे प्रेस करते ही 3 मिलीसेकंड पे 4 मिलीसेकंड पे करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो करंट इस दौरान क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, इसे बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। तो जब करंट इसमें जाएगा, आई करंट जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ माइनस एल डी आई बाई डी टी ईएमएफ है, और रेजिस्टर के अंदर ये टर्म है और बैटरी की ये टर्म है, और नेट सम क्या आना चाहिए, इक्वल टू जीरो। तो ई की वैल्यू यहां से सॉल्व करके क्या आएगी, आई इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी, या फिर E माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, या फिर E माइनस आई इंटू आर इंटू डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई, या फिर एक काम करते हैं ये वाली टर्म को नीचे ले जाते हैं, तो 1 बाई ई माइनस आई इंटू आर डी आई इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटू कितना डी टी, कुछ ऐसा, और फिर इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मैथ्स वालों को पता है कि आंसर लॉग में आने वाला है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो मेरे पास जो आंसर आएगा, तो लिखें ग्रोथ, अब लिखें ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, तो मेरे पास आंसर आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, वेयर टाउ इज नोन एज टाइम कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू नोट करें एल डिवाइडेड बाई आर, तो उसको इंटीग्रेट करके ये आंसर आएगा। आपने नहीं करने, रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, क्लियर है यहां तक, तो ये आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला नोट करें, तो फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला नोट करें, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, जब ग्रोथ ऑफ करंट होगा तो ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से इमेजिन करें कि एक इंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एक इंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्टेड है और उसमें मैक्सिमम करंट है, तो इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है। आपने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, अब करंट क्या होगा, मैक्सिमम से जीरो। अब मैक्सिमम से जीरो में इंडक्टर कहेगा, फिर लड़ाई करेगा, मेरे करंट को कम कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो करंट को गिरने नहीं देगा, उसको बोलते हैं डीके ऑफ करंट। तो जब डीके ऑफ करंट आएगा तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट का फॉर्मूला होगा आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज इक्वल टू एल बाय से, तो वन माइनस हट जाएगा, ये आंसर आएगा। जैसे कैपेसिटर में भी फॉर्मूला लिखा था ना सेम, वैसे इंडक्टर में भी है। तो इंडक्टर में ये करंट के दो फॉर्मूला लिखें प्लीज।
किसी न्यूमेरिकल में ग्रोथ होगा तो ये फॉर्मूला, डीके होगा तो वो फॉर्मूला। मेडिकल में ना ग्रो होना है ना डीके होना है, वैसे बता दूँ ठीक, मेडिकल में एनसीईआरटी है, एसी चलता है, डीसी कम आता है, पर फिर भी आप एक बार फॉर्मूला लिख लें। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस टाइम कॉन्स्टेंट पर क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी नोट करें, ग्रोथ ऑफ करंट के अंदर जब ये फॉर्मूला आता है, इस इक्वेशन को हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोलते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन हमने कर ली। ये ग्राफ बनाएं, ग्रोथ ऑफ करंट में करंट एक्सपोनेंशियली, मैथ वालों को समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और मैक्सिमम वैल्यू होने में बहुत समय लगाता है, इनफाइनाइट टाइम लगाता है। इनफाइनाइट टाइम क्यों लगाता है? क्योंकि इंडक्टर हर वक्त लड़ता जा रहा है, जब तक करंट मैक्स नहीं हो रहा, बढ़ते बढ़ते उसको बढ़ने नहीं दे रहा। तो ये ग्राफ प्लॉट कर लें ग्रोथ ऑफ करंट में, तो ग्रोथ ऑफ करंट में अगर सीधा ऑप्शन में मार्क करने को आ जाए तो एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। और ये भी नोट कर लें कि टाइम कांस्टेंट, ये लिख लें कि इन ग्रोथ ऑफ करंट, इन ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर एट टाइम इज इक्वल टू टाउ, यानी कि टाइम कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट जितना करंट पुट किया जाए तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट, ये नोट कर लें। तो ग्रोथ ऑफ करंट में टाइम कांस्टेंट पे इतना करंट हो जाता है जब ग्रो कर रहा होता है, तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब करंट किसी भी इंस्टेंट पर 63.2% ऑफ मैक्स करंट होता है। ठीक है, जहां डीके ऑफ करंट है, डीके ऑफ करंट के अंदर फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, डीके ऑफ करंट में ये ग्राफ मार्क करना है कि करंट जीरो भी नहीं हो पाता बहुत जल्दी जल्दी, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू गेट करंट जीरो, क्योंकि टाइम लेता है करंट, क्योंकि इंडक्टर उसको जीरो होने नहीं देगा, काफी टाइम लेगा। तो ग्राफ प्लॉट कर लें डीके ऑफ करंट का, ठीक है। तो ये डीके ऑफ करंट है, डीके ऑफ करंट में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट, ये नोट कर लें। तो करंट की वैल्यू डीके, जो टाइम कांस्टेंट है उस पे, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है डीके ऑफ करंट में जब करंट 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट हो जाता है। थ्योरी नॉट टू बी रिमेंबर लिख दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट है, इसके बाद ना ग्रोथ ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टर, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी में किया हुआ है, शीट्स को क्रॉस कर दें, ऑलरेडी डन लिख दें, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करते जाएं, ये नहीं करना आपने, इसमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी डन। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खोलेंगे उसमें अपने आप ये शीट आ जाएगी और ये ऑलरेडी हमने की हुई है, इसको प्लीज़ गलती से दोबारा प्रिंट हो गई, इसको क्रॉस कर दें।